हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आईटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन होना चाहिए, साथ ही साथ एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ये वेबसाइट ओपन होते ही कुछ पॉपअप विंडो आ सकता है, इसे क्लोज कर लीजिए। अभी राइट साइड में एक लिंक दिया हुआ है, न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर यूजर। यहाँ पर क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पर दिया है सिलेक्ट यूजर टाइप। अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पर बेसिक डिटेल्स जैसे कि पैन, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ को एंट्री करके रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट को सिलेक्ट कीजिए। अभी कंटिन्यू में क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में यूजर आईडी फील्ड पर परमानेंट अकाउंट नंबर शो करेगा। फ्यूचर लॉगिन के लिए आप परमानेंट अकाउंट नंबर को यूजर आईडी फील्ड में एंट्री करेंगे। इसके नीचे सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेसिडेंशियल स्टेटस को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। इसके नीचे पासवर्ड डिटेल्स में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये पासवर्ड 8-14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। साथ ही साथ पासवर्ड में एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डॉलर, @ सिंबल होना चाहिए। पासवर्ड फील्ड पर पासवर्ड को एंट्री करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड पर फिर से एंट्री करना पड़ेगा। अब इसके नीचे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चंस एंड आंसर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके एंट्री कीजिए। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंट्री कीजिए। नेक्स्ट एड्रेस फील्ड पर आपका पूरा एड्रेस एंट्री करके कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा। ओटीपी 1 होता है मोबाइल ओटीपी और ओटीपी 2 होता है ईमेल ओटीपी। यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स आया है कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। कन्फर्म पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी को एंट्री कीजिए। ओटीपी एंट्री करने के बाद वैलिडेट में क्लिक कीजिए। वैलिडेट में क्लिक करते ही कन्फर्मेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब आप अपने पैन और पासवर्ड की मदद से आईटीआर फाइल करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप आईटीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद और शुभ दिन।